ठीक है, एसएचएम बेसिक बेसिक हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ है वो कर लेते हैं। तो एनर्जी इन एसएचएम हेडिंग डाल लेना, एनर्जी इन एसएचएम। देखो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है आपकी, उसमें दो एनर्जी रहती हैं, एक रहती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपका स्प्रिंग में रहती है हाफ के एक्स स्क्वायर, वैसे यहां पर भी रहेगी एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी की जहां तक बात रही, अरे दे तो दिया परमिशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जहां तक बात रही, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल, टोटल एनर्जी अगर हम बात करेंगे, टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही आपका बेसिक बेसिक रहता है। आपसे जनरली पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा के को क्या मैं लिख सकता हूँ, के को मैं लिख सकता, या वी स्क्वायर को देख लो आप, इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर को। याद है हमने एक एक फॉर्मूला बनाया था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर होता है के बराबर, ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय एम, तो एम ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा के बराबर, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा आपका। ठीक है, उसी को बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया टर्म्स को यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब इन दोनों को जब एडअप करोगे आप, इन दोनों को जब आप एडअप करोगे तो देखो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या बनेगा, हाफ के ए स्क्वायर बच जाएगा जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। अच्छा, बाकी जहां तक रही प्लॉटिंग की बात, अगर ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू माइनस ए है, ग्राफ ऑफ एक्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा, एक्स स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, ये सब आपस में बराबर होते हैं, सारी एनर्जी की जो मैक्सिमम है। तो अगर मैं मीन पोजीशन पर बोलूं, टोटल एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर बन जाएगी। तो अगर हम पैराबोलिक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेसिकली जो ओरिजिन से पास होने वाली है, ऐसे करके जाएगी। देखो एक ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वैरी करेगी। आपका ग्राफ बनाने को आपका, अच्छा दूसरी बात टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट चल रही है। ठीक है, ये लुक, यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी में भी अलग अलग टाइप के प्लॉट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये टोटल कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जाएगी। और आप दूसरी ये चीज देखो, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी और एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी पैराबोला की है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और ये यहां से जाना है, यहां यहां पास करना है इसको, ये कुछ ऐसे करके आएगा आपका। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का हो गया। अब मेरे को ये बता दो, ये लोकेशन क्या होगी जहां पर दोनों एनर्जी बराबर होती हैं, फटाफट करो इसको सॉल्व। आपका एक क्वेश्चन भी आएगा, फाइंड द लोकेशन वेयर, फाइंड, बोर्ड का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन का भी क्वेश्चन है, फाइंड द लोकेशन वेयर, लोकेशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, करो फटाफट।
इसको लिखो और जल्दी से इसको सॉल्व करो। ठीक है, मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा। इन दोनों को इक्वेट करोगे आप, है ना, इन दोनों को इक्वेट करो, आपका ए बाय रूट टू आ जाएगा। इसकी एक और खास बात है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। ए बाय रूट टू यहाँ के बात करेंगे तो माइनस ए बाय रूट टू। ए बाय रूट टू की खास बात क्या है, यहां से टी बाय एट समय में यहाँ पहुंचता है, यहां से टी बाय एट समय में भी ए बाय रूट टू पर पहुंचता है। तो ए बाय रूट टू के लिए क्या है, यहां से यहाँ टी बाई एट में ए बाई रूट टू पहुंचता है। ए बाई रूट टू एक ऐसी लोकेशन है जहां पर दोनों एनर्जी बराबर होती हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी एक वाला जो कल हमने क्वेश्चन किया था वो याद रखना, ए बाई टू पर जाने में, ए बाई टू पर जाने में यहां से ए बाई टू पर जाने में टी बाई ट्वेल्व लेगा, फिर बाकी बचे हुए में टी बाई सिक्स लेता है। और याद रखना बहुत आसान है, पहले हाफ में ज्यादा तेज ट्रेवल करता है, यहां से स्लो डाउन होते जा रहा है, तो पहला ए बाई टू जो ट्रेवल करेगा वो जल्दी करेगा तो समय कम लेगा, तो टी बाई ट्वेल्व आता है। हो गई, इसके बाद बचा आपका सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कराते हैं, बस आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लोगे तो बता देना इसको। बाकी इतना मेरे ख्याल से बोर्ड के लिए काफी है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम करा के, सिंपल पेंडुलम भी मैं लीनियर एसएचएम की तरह बताऊंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कितना पढ़ोगे भाई, बोर्ड के लिए इतना ही रखो काफी है, ठीक है, ऐसे तो होगा ही नहीं कंप्लीट कभी। ठीक कॉमन क्वेश्चन है, क्या कॉमन क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे ठीक है, इतना भी नहीं है, आपको फंडामेंट पार्ट है इसका, बिना उसके भी काम बन जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना उसके नहीं होगा। अब स्पेसिफिकली वही पूछ लेता है तो अलग बात है। ओके, कार्नोट इंजन वगैरह आप छोड़ो, जितना होते जा रहा हो उतना ही देख लो, आज जितना होगा होगा, फिर नेक्स्ट वीक में देखेंगे। नेक्स्ट वीक से एक ही क्लास लगेगी आपकी बोर्ड की, देख लेना। एपी वन एपी टू वालों का तो, एपी टू और एसी टू वालों का तो करना है। हो गया होगा मेरे ख्याल से, जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट खींचे भाई फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतराफ याद रखना, थोड़ा बहुत ये वाला फंडामेंटल क्वेश्चन है इसका, ठीक है, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है। अगला आपका आता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, सिंपल पेंडुलम की जहां तक बात है, देखो क्योंकि एपी टू और एसी टू को मैंने टॉर्क, अभी तुम टॉर्क तक पहुंचे नहीं हो, तो सिंपल पेंडुलम के दो डेरिवेशन होता है, या तो एंगुलर एसएसएम से करो या फिर आपका
सिंपल पेंडुलम को एज अ लीनियर एसएचएम भी देख सकते हो आप. होता क्या है, जब ये मान लो पेंडुलम है, इसका बॉटम मोस्ट, ये एक आपका स्ट्रिंग होती है, बॉटम पर एक बॉब, बॉब बोलते हैं उसको, बॉल होती है उसको बॉब बोलते हैं. अगर आप छोटा डिस्प्लेसमेंट करोगे ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट करोगे, बॉटम की टिप को देखो, बॉटम की टिप को देखो, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है. एक्चुअल में तो खैर आर्क में है ये, लेकिन अगर छोटा सा पार्ट देखोगे, छोटे में आप इसको लीनियर एसएचएम मान सकते हो. तो हम इसको लीनियर एसएचएम की तरह डील कर लेंगे. मैं चाहते तो हम टॉर्क के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन वो एपी टू एसी टू वाले ने पढ़ा नहीं है, तो हम एज अ लीनियर एसएचएम वाला ड्राइव कर लेंगे. बाकी कॉलेज में जैसा आता है उसके हिसाब से, आपके टेक्स्ट बुक में जो दे रखा है उसके हिसाब से कर लेना. ये तो डेरिवेशन दो टाइप के होता है, मैं एक वाला चला देता हूँ, लीनियर एसएचएम आपका. अरे टॉर्क होता है क्या, एपी टू एसी टू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टेक्स्ट बुक में देखो कौन से तरीके से दे रखा है आपके. चलो लीनियर एसएचएम ही करा देते हैं, हटाओ. ये बॉब दे रखा है आपको, ये बॉब दिया हुआ है, ठीक है, ये बॉब दे रखा है, यहां पर ये फिक्स है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, ये हो गया, छोटा डिस्प्लेसमेंट है ऐसे करके. ये तो मैंने डायग्राम बना दिया इतना बड़ा, नहीं तो अगर छोटा होगा तो यहां तक बहुत छोटे एंगल तक डिस्प्लेस कर दो, थीटा बहुत ही इधर को आपने डिस्प्लेस किया. ऑब्वियसली बात है ये मेन पोजीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस रहेगा एक, ठीक है ना, यहाँ पर होता बैलेंस रहता है. आपने इधर को डिस्प्लेस किया, एक किया टेंशन. अगर हम एम जी की बात करें, एम जी ये रहेगा नीचे को, ये वाला एंगल बनेगा आपका थीटा, एम जी कॉस थीटा, और इधर को आ जाएगा एम जी का साइन थीटा, एम सी का साइन थीटा, ठीक है, ये बनेगा एम जी कॉस थीटा, ये बनेगा ये. अगर आपको सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट याद है, नेट सेंटर की ओर को फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर होना चाहिए था, वेलोसिटी तो है नहीं, यहाँ पर रख के आपने छोड़ दिया है, तो ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है. टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जीरो का स्क्वायर अपॉन आर, लेंथ एल मान लो, ठीक है. ये डिस्प्लेसमेंट को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो एक्स भी बहुत छोटा आएगा. तो यहां पर से रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कितना बचा आपका, एफ की वैल्यू आ गई है एम जी साइन थीटा आई, ठीक है, ये एम जी साइन थीटा आ गया, इधर को आ गया आपका. अच्छा अब ऐसे मान लो कि आपने इधर को डिस्प्लेस एक्स कर रखा है, इधर का डिस्प्लेसमेंट एक्स बोल दो, तो फोर्स बेसिकली माइनस का एम जी साइन थीटा आ गया, ठीक है. अगर छोटा एंगल हुआ, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, साइन थीटा टेन थीटा, थीटा सब एक ही हो जाता है छोटे एंगल के लिए, और थीटा हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस. तो ये सर्कुलर पार्ट देखो या स्ट्रेट पार्ट देखो, ऑलमोस्ट बराबर आएगा अगर एंगल बहुत छोटा हुआ. अगर देखो यहां तक की बात है, बहुत छोटा एंगल है ये, तो दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा बना दिया, फिर भी एंगल आपका दो तीन डिग्री का होगा तो भाई ये ऑलमोस्ट ये आर्क वाला पोर्शन और स्ट्रेट पोर्शन सेम आ जाएगा. अच्छा तो यहां से कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम ए, एम ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस जी बाय एल टाइम्स ऑफ एक्स, कंपेयर विथ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा आपको अंडर रूट जी बाय एल मिल जाएगा, टाइम पीरियड होता है टू पाई बाय ओमेगा, तो ये बन जाएगा टू पाई अंडर रूट एल बाय जी. अच्छा कॉलेज में आए तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा, पहले डिस्प्लेस द बॉब बाय, बॉब या पेंडुलम, सीधे पेंडुलम ही लिख लेना, पेंडुलम बाय स्मॉल एंगल, बाय स्मॉल एंगल थीटा,
फ्रॉम मीन पोजिशन मीन पोजिशन क्या होगी इसकी, ये वाली, ठीक है। ऐसे करोगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन के आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2π√L/g। अब इसमें वेरिएशन आती है, इसमें जी आ रहा है तो अब अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। देखो पहले तो डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें टॉर्क से दिया होगा तो टॉर्क से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पहले वेरिएशन देख लेते हैं, मैं यहाँ पर वेरिएशन लिखवा देता हूँ, क्या क्या वेरिएशन आएगी। स्कूल में रोटेशनल मोशन एक स्किप कर दिया है, बहुत बढ़िया। रोटेशनल मोशन बहुत टाइम ले लेता है यार, ठीक है ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन कैसे कैसे रहते हैं, पहले तो डायरेक्ट रहेगा क्वेश्चन, फिर कहेगा लेंथ में इतने का चेंज कर दिया है, लेंथ में इतने का चेंज कर दिया है, जी में इतने का चेंज आ गया तो टाइम पीरियड में कितने का चेंज आएगा। तो ये एरर वाले तरीके से जाते हैं। अब एरर वाला तरीका अगर आपको याद होगा फॉर स्मॉल चेंजेस वाला, तो मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट करके लिखवा देता हूं आपको। एक यहां से ये भी लिख सकते हो आप, डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ डी एल अपॉन एल माइनस हाफ टी जी अपॉन जी। अगर चेंज वाली प्रॉब्लम आती है कि भैया इसमें इतने का चेंज हो गया, इसमें इतने का चेंज हो गया, तो इसमें कितने का चेंज होगा, तो ये है। और अगर एरर की प्रॉब्लम आती है तो प्लस का साइन कर लेना। वो कहता है ना ये वाला आपका इतने परसेंट से चेंज कर लिया है, तो 2% से ग्रेविटी में चेंज आ गया है, लेंथ में 1% का चेंज आ गया है, तो टाइम पीरियड में कितने का एरर आ जाएगा। इसमें इतने का एरर है, इसमें इतने का एरर है, तो ऐसी वाली प्रॉब्लम एक तो ये रहती है आपकी, मेनली एरर पर आ जाती है। एक फॉर्मूला दे रखा है, बाकी प्रॉब्लम एरर की हो। अच्छा दूसरा रहता है कि आपका मान लो ये वाली, ये पेंडुलम ऐसे एक इसमें है और ये ऊपर को एक्सलेट हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो जी प्लस ए बन जाता है, होगा ना, एम जी की जगह पर एम ए और आ जाएगा। सूडो फोर्स लगाओगे, इसके अंदर बैठोगे तो बेसिकली जी की जगह पर जी प्लस ए काम करेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g+a। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके आगे बढ़े, अगर यहां पर देखें एक कॉन्सेप्ट तो एक और आ जाएगा। इसी को अगर आगे को, इसको अगर ऐसे एक्सलेट करा देते हो, इसको अगर मान लो आगे को एक्सलेट करा दिया है, ये था, इसको आगे को एक्सलेट करा दिया, पहली बात तो ये मीन पोजिशन रहेगी नहीं, थोड़ी इधर आके रहेगा स्टेबल, ये तो वो सब रहता है। इसमें जी इफेक्टिव कैसे निकल जाएगा, ये आया जी, सूडो फोर्स लगाओगे इधर को एम ए, तो कहाँ को आ जाएगा, यहाँ को आ जाएगा एम जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना बन के आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√L/g यानी रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये सब आपके क्वेश्चन हैं जो इसमें आ सकते हैं, मेनली डेरिवेशन आएगा आपका। और फॉर्मूले पे कहेगा अगर लेंथ को हमने ट्वाइस कर लिया तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। बोर्ड में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन रहेंगे आपके, बहुत ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे। यहां पर आपकी एसएचएम की कहानी तो खत्म हो गई है। और आते हैं आपके वेव्स में, हो जाएगा तो बता देना, फिर वेव्स में आ जाते हैं।
हो गया। आया वेब सर, ठीक है, इसको जिसने नहीं लिखा हो स्क्रीनशॉट खींच लो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रख दोगे, रख दिया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई? अगर आप जियो स्टेशनरी में रखते हो, जो कि ऑलरेडी अंदर जिसका सेंटर की ओर को एक्सेलरेशन इतना है, कितना ओमेगा स्क्वायर आर के हिसाब से, जी इफेक्टिव खत्म हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। डिफाइन ही कैसे होगा, ठीक है, जिसमें अगर जी खत्म हो जाएगा। अब यही चीज है बेसिकली आपका, तो सेटेलाइट में क्या होगा, सेटेलाइट में अंदर की ओर को भी जी रहता है, एक बाहर को भी लग जाएगा। हाँ हाँ अभी ग्रेविटेशन नहीं करवा रखा है, बता दो उसको। हाँ चलो देखो, आयो वेव्स आ जाओ। देखो वेव्स में भी आपकी जो फंडामेंटल चीज है वो ये है कि वेव्स आपकी दो कैटेगरी में हो जाती हैं। एक हो जाती है मैकेनिकल वेव, इसको साथ में लिखते जाओ यार, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है। मैकेनिकल वेव वो होती है दैट रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है, जिसको मीडियम की जरूरत होती है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट करते हो आप, साउंड वेव, ठीक है, रिपल फॉर्मेशन जो हो जाता है आपका, मतलब मोस्टली जो भी होती हैं वो सब मैकेनिकल वेव होती हैं। नॉन मैकेनिकल में एक ही आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो आपकी लाइट है। इस पर आर्गुमेंट हुए थे और वो हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इस पर स्टोरियां थी आइंस्टाइन से पहले, आइंस्टाइन के उससे पहले चल पता था सबको, मैकेनिकल वेव ही पता था। नॉन मैकेनिकल वेव वेव जो होती है वो दिखती है, और उसको मीडियम चाहिए चाहिए। मीडियम में एक इलास्टिसिटी होती है, एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। तो लाइट का वेव नेचर पे ये तो आर्गुमेंट हो रहा था, वो वेव है तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो वैक्यूम भी होगा, कैसे ट्रेवल कर रही है? तो तब वहीं पर डेफिनेशन आती है नॉन मैकेनिकल वेव की, ऐसी वेव होती है जो इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, दैट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, डज नॉट, इसके लिए क्लासिफिकेशन ही अलग करना पड़ा। इसमें एक ही है ईएम वेव्स आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट आपकी, ठीक है, लाइट हो जाएगी इसमें। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, आपके उसमें स्ट्रिंग वेव भी है क्या, क्या बोलते हैं जो उसका सिलेबस है, बोर्ड के सिलेबस में स्ट्रिंग वेव भी होगी या खाली साउंड है? पूरा ही होगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है, चलो स्ट्रिंग से समझ लेते हैं। स्ट्रिंग में होता क्या है, देखो ट्रेवलिंग वेव की बात करते हैं। अच्छा मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, एक होती है ट्रेवलिंग, एक होती है स्टैंडिंग वेव, अलग अलग क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन ये है, फिर आता है ट्रेवलिंग वेव, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा रट लेना, समझाने में बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। देखो क्या होता है, अभी आपने देखा एसएचएम में, ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है,
कोई भी पोजीशन जो होगी उसकी समय पर डिपेंडेंट हो रही है। समय बताओगे, समय पुट करोगे, तब एक्स आए, तब उसकी लोकेशन पता चलेगी। अब इसमें देखो, आप रस्सी को पकड़ो, रस्सी में आपने ये वेव बन गई है, लेट से वेव जनरेट हो रखी है कुछ, ठीक है, ये रोप में है, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग में विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। ये लेट से एक्स इज इक्वल टू जीरो है, इधर को ये हमारा एक्स की वो है, अब यहां को हम वाई मेजरमेंट कर रहे हैं, वाई का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या लगा होता है? यहां पर लगा होता है एक ऑक्सीलेटर, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। एक्स इक्वल टू जीरो पर सोर्स है, सोर्स है, सोर्स क्या होता है? एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जीरो का पार्टिकल जो भी वाइब्रेट करेगा वाई डायरेक्शन में, वो तो सिंपल आप ये बोल सकते हो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, मतलब उसकी वाई की जो लोकेशन होगी a साइन ओमेगा t प्लस फाई के हिसाब से चल रही। और एक ऑक्सीलेशन में इसका जो सोर्स, देखो आप रस्सी को क्या करते हो, रस्सी को आप यहाँ ऑक्सीलेट कराते हो और एनर्जी ट्रेवल डिस्टर्बेंस या एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी उधर तक ट्रेवल कर जाती है, उसके लिए प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक और इनर्शियल। कैसे हो रहा है वो सब छोड़ो, ट्रेलिंग की अभी हटाओ, बस ये यहाँ पर ऑक्सीलेट हो रहा है, जितने में ये एक ऑक्सीलेशन पूरा कंप्लीट कर लेगा, ये यहां से ऊपर गया, पीक गया, वापस आया, नीचे आया, वापस यहाँ आके, ये ऐसे ऑक्सीलेट करवा रहा होता है इसको, इस पॉइंट के यहाँ के पार्टिकल को ऐसे ऑक्सीलेट करा, जितने में इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई उतने में एक 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 वेवलेंथ के बराबर स्प्रेड हो जाता है। याद रखना, एक साइकिल में एक वेवलेंथ के बराबर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, ये आपकी ट्रेवलिंग वेव की कहानी रहती है। अब कोई जनरल टी टाइम पर, एट टाइम टी, ये कोई जनरल एक्स पर, यहां से कोई जनरल एक्स लोकेशन पर जाओ, ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट आएगा, आपको नहीं लगता वाई एज अ फंक्शन ऑफ किसी भी पार्टिकल का, किसी लोकेशन पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पार्टिकल डिस्प्लेस कहाँ को हो रहे हैं? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे होता है, पार्टिकल ऐसे नहीं जाते, पार्टिकल मीडियम अपनी जगह से नहीं हिलता। और मैंने इतनी बड़ी बना दी, इतनी बड़ी हमारे उसमें नहीं होती, आइडल वेव लेंगे तो हम आइडल वेव छोटी होती है, स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली। तो होता क्या है कि पार्टिकल अपनी जगह पर ऑक्सीलेट कर रहा है, पार्टिकल इधर उधर नहीं जा रहा, पार्टिकल अपनी जगह पर एसएचएम कर रहा होता है, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। तो जो एक्स डिस्टेंस पर पार्टिकल है वो जिस हिसाब से ऑक्सीलेट कर रहा है, क्या आपको लगता अभी तक जो चल रहा था हमारा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो खाली समय पर डिपेंड नहीं करेगा, आपको बताना पड़ेगा किस लोकेशन पर बात कर रहे हो आप, रस्सी के किस लोकेशन पर बात कर रहे हो। तो यहां वाले पार्टिकल के लिए तो सिंपली ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, इसमें तो एक्स पता ही है मैं जीरो है। कोई जनरल उधर के एक्स पर जाओगे तो हमें वो एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना, एक्स थोड़ा आगे बढ़ाओगे, एक्स की वैल्यू 5 पर कुछ और होगा, 6 पर कुछ और होगा, 7 पर कुछ और होगा, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर कुछ और होगा, 2 सेकंड पर कुछ और होगा, 3 सेकंड पर कुछ और होगा। आप इसको ऐसे देख लो कि भैया पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा, वेव ट्रेवल कर रही है, तो कुछ समय के बाद वेव का तो ऐसे भी हाल होना ही है, अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो वेव ऐसे ट्रेवल करेगी ना, आगे को जाते जा रही, देखो ठीक है ना, वेव आगे को ट्रेवल कर रही है, वेव डायरेक्शन, पार्टिकल की ऑक्सीलेशन डायरेक्शन क्या होती है? पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट करता है, पार्टिकल्स ऑक्सीलेशन ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं सीधे सीधे बोलूं, अगर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लगा रखा है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव जो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको, y जो होगा x, कोई x कॉमा t पर, ये a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते थे, माइनस के एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, ये बन जाती है आपकी, ठीक है, ये बन जाता है आपकी इक्वेशन, याद कर लेना बस, माइनस के एक्स टर्म और आ जाता है। चाहो तो के एक्स को पहले लिख लो, ओमेगा टी को बाद में लिख लो, और ए साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ भी लिख लो आप, दोनों ठीक है, वो वैलिड बैठ जाएंगे आपकी, ठीक है। ये हो गई फॉर वेव गोइंग इन पॉजिटिव एक्स, फॉर वेव गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो
जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, उसके लिए कोई भी जनरल एक्स कॉमा टी पर एक्स डिस्टेंस का पार्टिकल टी समय पर, एक्स इक्वल टू जो 6 पर पार्टिकल है उसका टी इक्वल टू 3 सेकंड पर क्या हो रहा है, वो ये इक्वेशन बताएगी आपको, ठीक है ना, वो ये वाली इक्वेशन बताएगी, ये कहानी हो जाएगी आपकी। तो अगर बीच में माइनस का साइन है तो वेव उस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर से के की वैल्यू, के होता है आपका ओमेगा बाय वी, वी जहां पर के को बोला गया है, के होता है ओमेगा बाय वी, और के को आल्सो इक्वल टू होता है, ये 2πf हो जाता है अगर याद होगा, और वेलोसिटी होती है वेव वेलोसिटी, आपने वहां भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया होगा सबका मेरे ख्याल से, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़ लिया होगा आपने, तो 2π बाय लैम्डा बन जाता है, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं इसको। अरे इसकी जानकारी है थोड़ी बहुत, वहां पढ़ा है कहीं केमिस्ट्री में, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं इसको। यहां पर v क्या है, v है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। एक और वेलोसिटी होती है, देखो क्या हो रहा है, पार्टिकल अपनी जगह पर ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ये उसकी मीन पोजीशन हो गई, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है ऊपर को जब जाएगा, जब नीचे आएगा पूरे उसमें आएगा तो नेगेटिव एक्सट्रीम। अब होता क्या है, देखो जब आप इसको यहां से पार्टिकल को नीचे लेके आओगे तो ये वेव आगे बढ़ जाएगी, ये वाला जो यहाँ का पार्टिकल था ये नीचे आ चुका है, यहाँ का पार्टिकल ऊपर जा चुका है, ऊपर जा चुका है, ऊपर जा चुका है, ये वाला नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये वाला ऊपर चले गया, ये वाला ऊपर चले गया, बेसिकली अपनी पोजिशन पर पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है। आप थोड़े से और आगे, ये क्या आपने अलग अलग सिनेरियो पर फोटो खींचोगे ना, पहले ऐसे दिखेगी फिर ऐसे दिखेगी फिर अगला ऐसे दिखेगा, आपको दिखेगा पार्टिकल नीचे को आ रहा है, ठीक है, यहाँ का पार्टिकल नीचे आ रहा है, यहाँ के पार्टिकल ऊपर को जा रहे हैं, तो ऐसा आपका सिनेरियो रहता है इसमें, ठीक है। पार्टिकल अपनी जगह पर ऐसे जंप कर रहा है, हर एक पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा होता है, तो ये आपकी वेव वेलोसिटी हो गई, ये सब कहानी। फॉर वेव गोइंग इन, अच्छा अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख देता हूं मैं, ये है वेव गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बस इतना याद रखना, ठीक है। और ए साइन ओमेगा टी, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, प्लस आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, के एक्स पहले लिखो है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, साइन का हो कॉस का भी ले सकते हो आप, कोई मैटर नहीं करता है, या साइन का वैसे ही आप कॉस का भी ले सकते हो, तो ये चीजें हैं आपकी फंडामेंटल, ये हो जाएगा, लिख लो इसको, लिखो फटाफट लिखो इसको। ये रिलेशन याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका, ओमेगा दिया होगा या लैम्डा कुछ दे रखा होगा आपको, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, देखो हर एक पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, हर एक पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ये वाला जो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है ये ए है, अभी रस्सी का शेप ऐसा दिख रहा है, अगले वाले थोड़ा थोड़ी देर बाद ऐसा दिखेगा जो ब्लू कलर से बना हुआ है, थोड़ी देर बाद और आगे का दिखेगा ऐसे करके, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव, एक और क्लासिफिकेशन है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव, उसका भी लिख ही लो यार, कितना ऊपर तक है, हाँ ठीक है आ जाएगा यहाँ तक। देखो एक कैटेगराइजेशन तो ये है, एक होता है ट्रांसफर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर्स वेव में क्या होगा, ट्रांसफर्स वेव में ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल, ऑक्सीलेशन या फिर मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स
इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग वेव हो गया, स्ट्रिंग वेव आ गई, इसमें स्ट्रिंग वेव आ गई है, रिपल फॉर्मेशन आ गया है, वाटर वेव जिसको आप बोल सकते हो, रिपल रिपल्स हो गई आपकी। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जैसे कि आपका साउंड वेव हो गई, साउंड वेव आपका, इसमें एग्जाम्पल मैं सीधे लिख लेता हूं, इसमें यहां पर पैरेलल आ जाएगा, इसकी जगह पर पैरेलल लिख लेना, बस पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसकी जगह पर पैरेलल आ जाएगा, एग्जाम्पल में साउंड वेव लिख लेना। मतलब बेसिकली होता क्या है, स्ट्रिंग में एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही है लेकिन पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं। साउंड में क्या होता है, साउंड में पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी लोकेशन पर, तो कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन के टर्म्स में आपकी वेव चलती है, तो पार्टिकल का ऑक्सीलेशन, अगर इस डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कोई सुन रहा है, तो पार्टिकल ऐसे ही ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उसी डायरेक्शन अपनी लोकेशन पर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। अब ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर होगी होगी कोलिजन के थ्रू। ठीक है ना, कोलिजन के थ्रू आपका एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है सामने वाले को, इसमें इलास्टिसिटी बोल सकते हो आप। लिख लोगे तो बता देना, एक क्वेश्चन समझ में आई क्या कह रहा है। इसमें कहेगा ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी और फाई के बारे में आपको जानकारी है पहले से, ऐसे में के एक्स और टर्म आ गया, के एक्स टर्म क्या बता रहा है आपका, बेसिकली अब जो एक्स डिस्टेंस पर पार्टिकल है उसका टी समय पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्वियसली बात तो डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन क्या है, पहली बात तो कहाँ पर है वो एक्स में, और किस समय पर बात कर रहे हो, तो दोनों पर डिपेंड करता है वो, ये आती है, इसको रट लो, इसको अभी के लिए रट ही लो। ठीक है, बाकी इसमें से के क्या होता है, के ओमेगा बाय वी होता है, ये सब रिलेशन है, ये वाला याद रखना बस। ठीक है, ए आपका वापस एम्पलीट्यूड चल रहा है, बस इतना फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया है के एक्स का। ये वाई समझ में आ रहा है, वाई क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, कोई जनरल एक्स कॉमा टी में, वाई को आप बोल सकते हो, वाई ये आपका यही इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव भी होती है, जैसे इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वो क्या है एक्स, उसकी पोजिशन है, कोई टी समय पर एक्स लोकेशन पर जो पार्टिकल है उसमें तो ठीक है एसी उसमें हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वेव ऐसे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो पार्टिकल के जो वो आएगा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई डायरेक्शन में आएगा आपका, तो वो ऐसे करके लिखा जाता है, ये वाई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आप सिंपल ये लिख सकते हो आप। हो गया क्या, लिख लोगे तो बता देना। देखो ये वाली डेफिनेशन आ सकती है ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की, क्या होती है, साउंड वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, देखो ट्रैवलिंग वेव तो ठीक है, ट्रैवलिंग वेव का उससे मतलब नहीं है, ट्रैवलिंग वेव स्टैंडिंग वेव अलग क्लासिफिकेशन है, ट्रैवलिंग तो कोई भी वेव जो ट्रैवल कर रही है जिसमें एनर्जी एक साइड से दूसरी साइड जा रही है। ठीक है, अभी मैं स्टेशनरी वेव तक पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव में क्या फर्क है। यो यो देखा क्या, यो यो
जिम में जो जा रहे हो, जिम में ऐसे ये रस्सी का जो मूवमेंट होता है उसमें वेव ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, आपने ये ट्रेवल करा दिया यहाँ से यहाँ। लेकिन योयो में देखा है आपके, योयो में लूप्स बन जाते हैं, लूप्स बनते हैं वो प्रॉपर, उसमें लगता नहीं है, वो भी वेव है लेकिन वो स्टैंडिंग वेव होती है, वो इधर से उधर नहीं जा रही होती है। स्टैंडिंग वेव का उस पर डालना, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव का उस पर डालना, गूगल पर डालना, तो विकिपीडिया का जो आएगा उसमें एक वो बना होगा, क्या बोल सकते हो उसको, एनिमेशन टाइप का बना होगा, विकिपीडिया में जो पेज खोलोगे शुरू में ही बना होगा, उसको देखना। एनिमेशन तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, कुछ और बोलते हैं। GIF, हाँ GIF की फुल क्या होती है, ग्राफिक, कुछ ऐसा होता होगा। अरे ये लिखिए, ये तो बता दो ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं फिर। जिसने नहीं लिखा है फटाफट स्क्रीनशॉट खींचो भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अरे शाबाश, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहानी रही है कि वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव चल रहा है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, इक्वेशन चल रही है हमारी y इज इक्वल टू ए साइन लेट से ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा अगर मैं t को फिक्स कर दूंगा तो ये रिलेशन खाली y और x का रिलेशन होगा कि नहीं होगा, अगर मैं समय को फिक्स कर लेता हूँ। समय को फिक्स करने का मतलब क्या है, वो जिम वाला रस्सी को मूव करा रहा है, ठीक है, इसमें वेव चल रही है आपकी, आपने फोटो खींच ली, फोटो खींचने का मतलब क्या, आपने टाइम को तो रोक दिया ना, उस समय पर बात कर रहा है। तो y और x की जो शेप आएगी वो बेसिकली शेप ऑफ स्ट्रिंग होगा, शेप रस्सी का शेप आएगा निकल के, अगर आप समय को फिक्स कर ले तो, ठीक है, वो बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस करवा जाएगा। अगर मैं कोई लेट से आपका इसमें ग्राफ की अगर मैं बात करूं, शेप ऑफ स्ट्रिंग एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी नॉट प्लस फाई को एक साथ लिख लो और माइनस के एक्स, यानी वाई खाली फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है ना, बाकी सब तो फिक्स हो गया है। तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे, इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा शेप बन के आएगा, हो सकता है यहाँ का ये वाला पार्टिकल ऊपर की साइड हो, ऐसे करके कुछ शेप बन के आएगा। ये खाली टी इज इक्वल टू टी नॉट पर जो फोटो खींची है, स्नैपशॉट जो खींचा है वो दिखेगा आपका, ठीक है, ये एक्स के साथ ये दिख जाएगा, हर एक पार्टिकल कहाँ कहाँ पर है ये दिख जाएगा, ये आपका बोल सकते हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर्व हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर्व ये आपको दिखेगा। अच्छा अगर मैं x को फिक्स कर लेता हूं, ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो मैंने ये कर लिया, b इफ x इज इक्वल टू x नॉट फिक्स कर दिया आपने, अगर x इज इक्वल टू x नॉट कर दिया फिक्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी a साइन ओमेगा t या माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव, तो एक साथ चले जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हो। तो y क्या बन रहा है, इसको आप पूरे को कांस्टेंट बोल सकते हो, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस लेट्स से फाइव डैश, फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ SHM है कि नहीं है, इक्वेशन ऑफ SHM, इसका क्या मतलब हुआ, ईच पार्टिकल परफॉर्म्स SHM, परफॉर्म्स SHM, ये तो SHM की इक्वेशन है, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन कर रहा है,
तो यहां से पता चलता है कि भैया एसजेएम की ये एसजेएम कर रहा होता है, हर एक पार्टिकल अपनी लोकेशन पर एसजेएम कर रहा है। हाँ, लेकिन हम ट्रैवलिंग वेव, हर कोई ट्रैवलिंग वेव साइन वेव नहीं होती है, रस्सी में जो बना सकते हो आप और वही दिखती है। कल के दिन में आपको वेव ऐसी भी दिख जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक वेव आपकी साइन के फॉर्म में आए, ये तो साइन का कर्व जैसा दिख रहा है आपका, ठीक है ना। अब डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ जाओ आप, ठीक है। साइन का चल रहा है, बाकी ये इसके साथ ये सब एडजस्ट करके ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन साइन का शेप आ रहा है। हर कर्व में नहीं आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो होती है मेनली वो साइन कर्व होता है, साइन वेव होती है। तो ये हो गया, लिखो इतना लिखो, तो मैं इंक भरता हूँ इसमें। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं प्लॉट थोड़ा, ये दिखेगी थोड़ा ना आपको, जैसे ये दिखिया आपने यहां पर समय को फिक्स कर लिया तो आपको वाई वर्सेस एक्स, ये तो शेप ऑफ पल्स दिख जाएगा। ये क्या है, ये तो खाली एक रिलेशन है, ये थोड़ा ना दिखेगा आपको, ये विजुअलाइजेशन में थोड़ा ना आएगा, ठीक है। इसका आप कर्व तो बना सकते हो, वाई वर्सेस टी ग्राफ बना सकते हो, इस पार्टिकल का उसके साथ क्या क्या हो रहा है, समय के साथ कितना डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल, तो ये तो बना सकते हो, लेकिन वो खाली कर्व होगा, उसमें कोई शेप नहीं दिख, वो कोई उसका फिजिकल मीनिंग, फिजिकली वो विजुलाइज नहीं होगा आपसे, मतलब फिजिकली उसका कुछ वो नहीं है। जैसे इसमें तो है आपका, आपने समय फिक्स कर लिया, ये आया, ये रस्सी का शेप दिख रहा है, रस्सी ऐसी दिखेगी आपको, इसमें थोड़ा ना है, ये तो सिंपल आपका वाई और टी का रिलेशन है। ये वाला पार्टिकल के लिए वाई और टी ऐसे वेरी कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब इसके आगे आता है, इसके आगे है ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, इसके आगे आओगे आप, इसके आगे आओगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो दो वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी होती है जिससे वेव जा रही है, एनर्जी इधर से उधर जा रही है। जैसे मैं बोलता हूँ, यहां से बोला हूँ दूसरे कोने तक आवाज पहुंच गई है, लेकिन क्या पार्टिकल जो बोलने में क्या होता है, यहाँ के पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट करता है, यहाँ का ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, तो उनके ऑक्सीलेशन में भी तो होगा कुछ, जैसे इसमें कर रहा हूँ। एक वेलोसिटी है पार्टिकल किस स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा है। अब हर एक पार्टिकल एसजेएम कर रहा है, तो पता है उसका मीन पोजिशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, एक्सट्रीम पर मिनिमम होगी, जीरो होगी, फिर मीन आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन आएगा। और ऐसा एक पार्टिकल नहीं कर रहा, सारे पार्टिकल ऐसे ही ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कैसे निकालोगे, क्या कैसे निकालोगे भाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली वाई को, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो समय के रिस्पेक्ट में। अब डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल ऑपरेटर का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, बस समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स एक्स यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, डेल वाई बाय डेल टी करो, ये इक्वेशन है आपकी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो समय के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, आगे बाहर ओमेगा निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ये तो ऐसी इक्वेशन आ रही है कुछ जैसे एसजेएम में देखा था, बस एक एक्स का एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सारी चीजें तो वही है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल देखोगे आप, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बोलोगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा समय के रिस्पेक्ट में। मेरे ख्याल से करोगे तो यहां से समय के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, साइन का पूरा आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, बेसिकली माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बन जाएगा। जैसी कहानी ऐसे चम में हो रही है बस वैसी ही हो रही है सब कुछ। अच्छा तो ये सब हो गया आपका। अब एक और चीज आती है, एक आता है, अच्छा डेल वाई बाय डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा,
डेल वाई बाई डेल एक्स करूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, वाई को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? समय को फिक्स कर लिया आपने? अच्छा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इस बार समय फिक्स है, समय फिक्स है तो मतलब आपका शेप ऑफ पल्स की बात कर रहे हो। इसमें डेल वाई बाई डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसमें डेल वाई बाई डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? समय फिक्स कर लिया है, स्लोप। समझ आई बात? तो अगर आपने समय फिक्स कर लिया, शेप ऑफ पल्स है, इसमें हमेशा हर इंस्टेंट पे डेल वाई बाई डेल एक्स की बात कर रहे हैं, तो डेल वाई बाई डेल एक्स करोगे तो यहां से देखो कितना आएगा, ए साइन का हो जाएगा कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और यहां से आपका माइनस का के बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कहेगा स्लोप की बात करता है, स्लोप स्लोप दे देगा आपको। अच्छा, बाकी पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, इसमें मेरे को और कोई रिलेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? एक रिलेशन ये भी आएगा आपका, अगर आप समझदार हो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप एसएचएम के साथ रिलेट कर पा रहे हो इसको, तो पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन भी आएगा, एक्स के ऊपर वाई काम कर रहा होगा। एसएचएम में आया था ये रिलेशन, कैसे? वीपी अपॉन ए ओमेगा वाई अपॉन ए स्क्वायर करके एडअप कर लो तो राइट हैंड साइड वन बनेगी, तो ये निकल के आता है आपका। ठीक है, अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, कितना आएगा देखो, अब जरा ध्यान दे रहा है, एक कॉस का नेगेटिव आएगा, एक और नेगेटिव आएगा, तो माइनस ए के स्क्वायर रह जाएगा, कॉस का आ जाएगा साइन बन जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। अब क्या होता है, कुछ रिलेशंस होते हैं आपके, इसमें जनरली आता है रिलेशन फाइंड आउट करो, तो स्लोप और इसमें देखो, स्लोप और वीपी में, वीपी अपॉन स्लोप, वीपी अपॉन स्लोप करोगे क्या मिल रहा है आपके? पार्टिकल की वेलोसिटी को स्लोप से डिवाइड कर दो, कॉस कॉट कट जाएगा, ए ए कट जाएगा, माइनस माइनस ए अपॉन के बन जाएगा। कभी कभी ये डिराइव करने को आता ना, छोटी मोटी चीजें हैं, सॉरी माइनस ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के, और के होता है ओमेगा बाय वी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाती है माइनस का वी इंटू स्लोप। ठीक है, ये हो गया। सेम तरीके से एक और रिलेशन आप डिराइव कर सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर, ये आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर बाय ये डेल एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। यहां से के को ओमेगा बाय वी लिखोगे तो ये रिलेशन बन जाएगा आपका, ओमेगा बाय वी लिखोगे तो वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये कहलाती है लीनियर वेव इक्वेशन, लीनियर वेव इक्वेशन। देखो रटना कुछ नहीं है, यहां से चालू करना, ये पता है, ये आपके वेव की इक्वेशन है। समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाओगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगा पार्टिकल का, पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम कर रहा है। अगर ये ग्राफ बना लिया है तो मैं इसमें चेंजेस कर लेता हूं। देखो अगर ये वेव आगे को जा रही है, थोड़ा सा थोड़े से आगे समय के बाद ये ऐसे हो जाएगा। थोड़ा और समय बढ़ाओ के तो, और समय बढ़ाओ के तो कुछ ऐसे आ जाएगी कर। ऐसे जाती है वेव, ठीक है ना, आगे को बढ़ते जा रही है। आप किसी भी पार्टिकल को देखो, आप कोई भी पार्टिकल देख लो, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा होता है आपका, ठीक है ना। ये वाला पार्टिकल जो भी यहाँ का पहले यहाँ था, वो यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंचेगा, और आगे जाएगी तो ऊपर पहुंचेगा, ऐसे करके ऑक्सीलेट कर रहा होता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो, और कुछ नहीं है इसमें, एक इक्वेशन है,
दो बार समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पहली बार करोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये दूसरी बार करोगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे पहला डिफरेंशिएशन स्लोप देगा, दूसरा डिफरेंशिएशन कुछ नहीं देता है। अच्छा मैक्सिमम स्लोप कितना आ सकता है रस्सी का, ए के मैक्सिमम स्लोप कितना आ सकता है, ए के, ठीक है। के होता है ओमेगा बाय वी, के होता है ओमेगा बाय वी, ये याद रखना, के होता है ओमेगा बाय वी जो कि 2 पाई बाय लैम्डा बन जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे, एक काम करेंगे स्टैंडिंग वेव में आ जाएंगे, होने को तो और भी कुछ है इसमें। अब बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, अब लीनियर रिलेशन क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें वो नहीं आ रखा ना, एक एक क्या बोल सकते हो आप इसको, इसके साथ सिंगल डिग्री का डिफरेंशिएशन का या फिर थर्ड डिग्री का और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। लीनियर क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जैसे एम एक्स हो गया, तो वैसे इन दोनों में आपका लीनियर रिलेशन आ रहा है, ठीक है, और कहीं कुछ वेरी नहीं कर रहा है। इसमें आप लिख सकते हो ऑल वेव, ऑल टाइप्स ऑफ वेव सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ऑल टाइप्स ऑफ वेव सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आपको सिंपल एक मैथमेटिकल फंक्शन दे रखा है और आपसे कह रहा है क्या ये वेव है, आप ये सेटिस्फाई करवा दो, जरूरी थोड़ा ना है कल के दिन में आपको ऐसा दे देगा, वाई इज इक्वल टू कहेगा एक्स प्लस 3t into 5, ऐसा कुछ दे देगा आपको, कहेगा ये वेव है। तो अगर भाई ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वेव है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। लिख लोगे तो बता देना भाई, देखो इन सबको जो ये वाला टॉपिक चल रहे ना, जो बोर्ड के चल रहे हैं, इसको दिमाग पर रखने का एक ही तरीका है, जिस दिन कर रहे हो उसी दिन वो कर लो, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, बन जाएंगे, मैक्सिमम बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे, थोड़ा रैपिडली चल रहा हूँ तो 70-80% बन जाएगा, 20-30% हो सकता है ना बने, कुछ तो बन जाएगा आपका। ऑक्सीलेशन में किसी ने देखा क्या, ऑक्सीलेशन पढ़ाया, थर्मो पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन किया क्या टेक्स्ट बुक के, किया ही नहीं होंगे ऑक्सीलेशन का, किया बने क्या कुछ क्वेश्चन। कुछ तो बन ही जाएंगे यार, ऐसा थोड़ा ना होगा कुछ नहीं बनेगा, सॉल्ड एग्जांपल किए मैं तो, सॉल्ड एग्जांपल समझ में आ गए,
बेसिक आइडिया लग गया ना। अरे यार स्टार्ट कर लिया करो, जिस दिन पढ़ाता हूँ ना उसी दिन, जिस दिन पढ़ाता हूँ उसी दिन कर लिया करो, क्योंकि क्या है चीजें बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ। अब एसएचएम कितना हो गया हमारा, तो 2.5 घंटे में एसएचएम हो गया। अब 2.5 घंटे में एसएचएम हो गया, अब वहां देखोगे वहां तो 6 8 घंटे का काम है, 8 9 घंटे का काम है। डिस्कशन के साथ बोल दो तो 10 घंटे में एसएचएम जाएगा ही जाएगा, 10 12 घंटे। तो वो चीज आओगे जल्दी जल्दी ग्रैप कर रहे हो, उसी दिन समझ में आ रहा है, लगा दो टेक्स्ट बुक से लगा ही दो। हाँ ग्रेविटेशन नेक्स्ट वाले में करेंगे, नेक्स्ट जो भी आएगा लेक्चर होगा बोर्ड का। आज वाले में ये करते हैं, इसको इसमें भी काफी है यार अभी। हाँ एनसीईआरटी लगाओ फिलहाल, और क्या लगाओ, आप चाहो तो वो लगा सकते हो, अगर आपको वो मिल गया रेजोल्यूशन मॉड्यूल मिल गया तो एक्सरसाइज वन तो कर ही सकते हो आप। एक्सरसाइज वन 50 60% हो जाएगी, 60 70% एसएचएम की हो जाएगी। इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, इसमें मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, बीच में कुछ चीजें स्किप करूंगा मैं। हो गया क्या एनसीईआरटी के, समझता नहीं है एनसीईआरटी के। सॉल्व एग्जांपल देखो ना, सॉल्व एग्जांपल, और वो अगर थ्योरी मत पढ़ना यार, एनसीईआरटी बहुत बड़े लोगों ने लिखी हुई है। क्या क्या बड़ा बड़ा हाँ वर्कशीट, वर्कशीट से आता है क्या क्वेश्चन? हाँ तो वर्कशीट कर लो जिससे आ रहा है भाई, कुछ तो कर लिया करो, मतलब लिख लिया के हाँ भाई लिख लिया। ठीक है, जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट खींचो भाई फटाफट। इसको हटा देना। अगला आ जाता है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। एक आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा ये एसएचएम में भी था, एसएचएम में तो मैंने हटा दिया, खैर मैंने पढ़ाया नहीं वो। यहाँ देख लो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। इफ ये समझ लो आपका वाई वन हो रहा है आपका ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई वन। जनरली हम ओमेगा और के सेम रखते हैं, दूसरे ये हो गया आपका बेसिकली। इसके लिए मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू सोर्स वन, सोर्स वन दो सोर्सेस इस्तेमाल करूंगा एक ही रस्सी में। एक रस्सी में क्या हो सकता है, दो सोर्सेस भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स के कारण एक ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। दो तीन सोर्सेस लगा सकते हो आप। अब दो तीन सोर्सेस लगाते हो, पहले वाले के कारण अगर ऐसा वेव बनता, अब ऐसे समझ लो इस रस्सी में पहले वाले ने ऐसा जनरेट कराया, दूसरा आया उसने ऐसा जनरेट कराया, अब जब दोनों आएंगे दोनों सोर्स एक और दो दोनों एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे ही वाई टू, लेट से वाई टू आपका ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव टू, मान लो यह है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सोर्स टू, देन 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 द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, देन द रिजल्टेंट
डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सोर्स वन एंड टू कंबाइंडली y is given by y1 plus y2. ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, एक के कारण इतना हो रहा है, दूसरे का इतना हो रहा है, ये हो जाता है आपका. इसमें एक सिंपल सा घटिया सा क्वेश्चन आपको मैं बता सकता हूँ. एक तो सिंपल दिया होगा, ये डेटा दे रखा होगा, ये टू दिया होगा, ये थ्री दे रखा होगा, फाइव को दे रखा होगा, फाइव बाई सिक्स एम्पलीट्यूड दे रखा होगा पहले वाले का पांच सेंटीमीटर. मतलब आपने वाई वन निकाला, सब कुछ समय हमें दिया होगा, इस समय पर इस लोकेशन पर बताओ. तो पूरा डेटा वेटा पुट करके वाई वन आ गया दो सेंटीमीटर, वाई टू आ गया माइनस तीन सेंटीमीटर. तो जब नेट एड करोगे तो माइनस वन हो जाना है. ये टू आया है, ये वाई टू निकल के आ गया माइनस थ्री. समय भी दिया होगा, एक्स भी दिया होगा, बाकी सारे डेटा दिए होंगे. तो सिंपल आपका वाई वन प्लस वाई टू, डायरेक्ट क्वेश्चन. दूसरा एक ग्राफ पर आता है, सिंपल आपका कहेगा कि एक पल्स ये है, ये दे रखा है आपका, ये है, ये है. ठीक है, दो पल्स आ रही है, एक इधर को आ रही है, एक इधर को आ रही है. यहां कहीं ओरिजन है, ये आपका x इक्वल टू जीरो की बात है, x इक्वल टू वन है, x इक्वल टू टू है, ये वन है, x इक्वल टू माइनस वन है, x इक्वल टू माइनस टू. तो ये वन मीटर पर सेकंड से ये भी आ रही है, वन मीटर पर सेकंड से ये भी आ रहा है. ठीक है, लिखते जाओ यार, साथ में लिखते जाओ, कुछ ऐसा कुछ खतरनाक चीजें नहीं है. आपसे पूछ रहा है, यहां पर लिखवा देता हूं, फाइंड शेप ऑफ स्ट्रिंग एट, पहला पार्ट है t इज इक्वल टू वन सेकेंड, दूसरा पार्ट है t इज इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव सेकेंड, और तीसरा पार्ट है t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड. बस इतना कर लो. शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू इतना एंड इतना. चलो एक मैं बता देता हूं इसमें से. वन पर तो आप बना लोगे, ठीक है, रस्सी का शेप कैसा बनेगा, ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये एक पल्स है, पूरी वेव नहीं है, एक पल्स ऐसे ट्रेवल कर रही है, किधर को ट्रेवल कर रही है. तो वन सेकंड पर आप देखोगे, तो पहले वाले का आंसर मैं बता देता हूं आपको. पहले वाले के लिए क्या होगा, पहले वाले के लिए एक सेकंड में मेरे ख्याल से यहां पहुंच चुका होगा. ठीक है, ये वाला यहां हो चुका होगा, ये हो जाएगा आपका. हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट, इट इज इक्वल टू वन सेकंड पर ये हो जाएंगी बातें, है ना, ये शेप आ जाएगा आपका. बाकी जो जो नीचे दे रखा है डेटा, x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस टू पर था, ये वन पर था, ये टू पर था, एक सेकंड में ये हो जाएगा. अच्छा, 1.25 सेकंड में क्या होगा, 1.25 सेकंड में. अब एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो देख लो. ये हो गया 1.25 सेकंड में, ये पहुंच जाएगा, ये पहुंचता आपका 0.25 पर, ये 0.25 पर पहुंच जाता, और ये होता -0.75 पर. सेम कहानी इसकी है, ये -0.25 है, और इसका पीक आ जाता, पीक यहां आता, ऐसा आता कुछ. ठीक है, ये होता 0.75. सबसे पहला स्टेप तो ये किया आपने, इसके बाद इसको इसमें से हटाना है चीजों को. तो देखो इसको कैसे बनाओगे आप क्या करो, अब आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ के, देखो पहले तो इसको हटाओ यहां पर से, इन चीजों को हटा दो, इसको हटा दो, ये हो गया, इसको हटा दो। अब जरा ध्यान से देखो, यहां तक तो एक ही पल्स थी, इसके आगे क्या है, इतना इसके कारण वाई आ रहा है, इतना इसके कारण वाई आ रहा है, दोनों वेव है, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट है, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये वन तो आएगा ही आएगा, ये जितना आ रखा है ये ऊपर एडअप हो जाएगा। सेम चीज यहां पर है, यहां पर वन इसके कारण है, वन इसके कारण है, तो ये और पीक पर पहुंच जाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है, जब आप वाई वन प्लस वाई टू लगाओगे तो ये वन 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 तो है ही, इतना यहां शिफ्ट हो गया, इतना और एडअप हो जाएगा, इतना और एडअप हो जाएगा। इस तरीके से चलोगे, इस तरीके से जब इसको y1 प्लस y2 लगाओगे, इसका शेप कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, ये शेप में दिखेगी आपको पल्स। ये आएगा शेप ऑफ पल्स t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पर, 1.25 सेकंड पर। दोबारा समझाना है कि समझ में आ गया, सबसे पहले क्या करो, दोनों को पहुंचा दो जहां जहां जा रहे हैं 1.25 सेकंड पर। मेरे ख्याल से रेक्टेंगल वाली ऐसे बनेगी, स्क्वायर वाली जो भी है, ट्रायंगल वाली ऐसी आ जाएगी ये शेप पर। हाँ वही तो है, तो ठीक है, वाई वन प्लस वाई टू लगा रहा हूं ना, इसका तो वन है ही, खैर इसका हर पॉइंट पर जितना होगा उतना ऊपर हो जाएगा ना, उतना एडअप होता जाएगा वाई वन प्लस वाई टू। मान लो यहां पर आपका कितना आ रहा है, यहां पर आपका पूरा वन है, ये वन है और ये बीच का पॉइंट है, 0.5 होगा, वन है तो आधे पे 0.5 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा वन, और ये 0.5 है तो 1.5 का पूरा आ जाएगा, इधर वन रहेगा, इधर 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ऐसे ही तो आएगा। अरे समझ में आई बात, ये समझ में आ गया, तो लास्ट वाला प्लॉट कर लो फटाफट। अरे डॉपलर इफेक्ट हटा दिएगा तुम्हारा, हट गया सिलेबस से डॉपलर इफेक्ट। चलो सही है, क्या किया देखो, इसमें 1.25 सेकंड पर पहले दोनों को प्लॉट कर लो ना, कहां कहां आ जाएंगे, ऐसा शेप आता y equal to y plus y two लगाओ ना, इसके कारण इतना डिस्प्लेसमेंट है, इसके कारण इतना डिस्प्लेसमेंट, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस करोगे इतना आ जाएगा ना, यहां पर इसका भी वन था, इसका भी वन था, ट्राइंगल के कारण भी वन है, इसके कारण भी वन है, तो टू पर पहुंच जाएगा, ये वाला आपका टू होगा, यहाँ पर ये टू की है, यहाँ पर वन होगा, और कोई जनरल पोजीशन पर बढ़ते जाएगा आपका। लास्ट वाला 1.5 सेकंड बन जाएगा, 1.5 सेकंड फटाफट बनाओ, ये खेल खटने वाली काम है बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद आ जाएंगे हम स्टेशनरी वेव पर। साउंड यार अगले वाले लेक्चर में भी चले जाएगा, अगले वाले लेक्चर में साउंड और ग्रेविटेशन आधा हो जाएगा, साउंड कंप्लीट होके। हाँ भाई, टी इक्वल टू 1.5 सेकंड बन गया क्या सबका? एक ही का बनाया क्या अभी तक?
1.5 सेकंड पर क्या होगा, ये मिटा दूं ऊपर का, ये तो लिख लिया होगा ऊपर वाला, ठीक है जिसमें मैंने लिखा स्क्रीनशॉट खींचो भाई, इसको मिटा रहा हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा इसको इसको मार्क कर लेना ना, लैंग्वेज लिखने को आ सकता है आपका इसके बारे में, तो टेक्स्ट बुक से लिखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, वैसे मतलब यही है उसका, बाकी लैंग्वेज प्रॉपर लिख लेना। चलो देखो कैसे होगा, देखो आपका 1.5 सेकंड पर क्या होगा वेव का शेप, 1.5 सेकंड पर ये पहुंच चुका होगा 0.5 पर, यहां एंड पहुंच चुका होगा 0.5 पर, 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कहां पहुंच जाएगा 1.5 पर पहुंच जाएगा, मतलब सॉरी 0.5 पर पहुंच जाएगा। तो अगर मैं यहीं पर देखूं इसको तो ये आपका पहुंचेगा 0.5, ये होगा माइनस का 0.5, ये बातें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अच्छा इसके लिए बात करूंगा तो ये ट्रायंगल ऐसा आ जाएगा, आएगा इतना समझ में आता है क्या, ठीक है। अब y is equal to y1 plus y2 लगाओ, देखो इस पॉइंट पर ये भी है ये भी है, इतना प्लस इतना करोगे तो बेसिकली इतने में इतना ऐड करोगे तो इतना ऊपर आ जाएगा ना, जितना ये है उतना ही तो ऊपर आ जाएगा, यहां पर भी इतने में इतना ऐड करोगे इतना ऊपर आ जाएगा, यहां पर 1+1 2 बना देगा ये ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि इतने रीजन में दोनों पल्स हैं इस बार। तो y is equal to y1 plus y2 के हिसाब से क्या होगा, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट करते जाओगे तो ये शेप बन जाएगी आपकी, ये वालों को डॉटेड से कर लेना, ये आप चाहो तो दो डायग्राम बना लेना, पहले ये बनाना फिर वो वाला बना लेना। अरे अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, ये 1 का होगा यहाँ पर 1 होगा, ये वाला 2 हो जाएगा, अरे समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कौन है भैया सत्यम, इतनी देर में आके भी क्या करेगा इंसान। चलो भाई आगे बढ़े, मिटा रहा हूं मैं इसको, स्टैंडिंग वेव में आ जाते हैं, आज तो मैथ का लेक्चर नहीं है, हैं? कितने से है वही, क्या डेली होता है क्या मैथ डेली, अरे चलो ये भी सही है, चलो इसको तो देखें पहले, कल मैथ का कैंसिल हो गया था, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं, जिसने नहीं खींचा स्क्रीनशॉट खींच लो भाई। अगला जो आपका आएगा स्टैंडिंग वेव की बात आती है, स्टैंडिंग वेव के लिए देखो जहां तक बात है स्टैंडिंग वेव की, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, कब होती है फॉर्म्ड, व्हेन टू वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज, ठीक है, जब दो वेव अलग अलग डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी वो सुपर इम्पोज करेंगी, जैसे कि अभी किया था अभी, लेकिन ये तो खाली पल्स थी, इतना लिखो मैं एक सेकंड लाया तो मोबाइल से दिखाता हूँ तुम्हें वो,
एक सेकंड ना, हो जाते रहो भाई। इसको देखना, इसको ऑब्जर्व करना, देखो कैमरे पर कितना आता है, कहाँ का कैमरा देख लो। एक एक ब्लू को देखना और एक उसको देखना, ग्रीन को देखना। ये दो ट्रैवलिंग वेव है, एक ब्लू जा रही है, एक आपके लिए लेफ्ट टू राइट जा रही होगी, राइट टू लेफ्ट जा रही होगी, और रेड उनका रिजल्टेंट है। तो अगर आप मोबाइल का जितना एरिया उतने में देखोगे तो रेड वेव ऐसा लग रहा है रेड वेव कहीं नहीं जा रही है। रेड वेव में क्या है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑक्सीलेट कर रहे हैं। ब्लू और ग्रीन ट्रैवलिंग वेव्स है, तो दो ट्रैवलिंग वेव के सुपरपोजिशन से जो बन रहा है वो स्टेशनरी वेव बन रही है। वेव तो है, ये वेव क्या है, इसको आप सर्च मारोगे, ठीक है ना, उसमें गूगल पे सर्च मार लो, विकिपीडिया में दिख जाएगा आपको। तो हो क्या रहा है, वेव तो है, वो वेव क्यों है, क्योंकि वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अभी देखते हैं, देखो लेट से एक आपका है वाई वन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कुछ फाई वाई ले रहा हूँ सिंपली अपना सिंपल एनालिसिस के लिए। मैं एक ये ले रहा हूँ, एक ये ले लेता हूँ मैं, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, बस फ्रीक्वेंसी भी सेम रखनी है, सब कुछ सेम रखना है, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, अच्छा कल के दिन में हो सकता है वो ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स कर ले, या फिर कॉस का लगा ले, दोनों को कॉस का कर दे। तो बेसिकली आपको तो बस ये एडअप करना आना चाहिए। एक बात बताओ, साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है भाई, है टू साइन ए प्लस बी बाई टू, चलो छोड़ो, टू साइन यही आता है, ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, यही आता है कि उल्टा आता है, सही है, साइन ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो ये बना आपका, अच्छा ध्यान से देखो, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी वाली फॉर्म तो है नहीं, ठीक है, तो ट्रेवलिंग वेव तो नहीं होती है। ये जो बनता है, ये आपकी जो बन जाती है इक्वल टू वाई, ये बन गई है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अच्छा इसका एनालिसिस कैसे करोगे आप, एनालिसिस कैसे करोगे, इसको आप ऐसे देखो कि भाई ये 2a sin kx को अलग से देखो और cos omega t को अलग से देखो, इसको a डैश मान लो, a डैश cos omega t। अब अगर x को मैं फिक्स कर देता हूं, x को फिक्स कर देता हूं तो आगे वाला टर्म फिक्स हो गया, a डैश cos omega t है, तो ऐसे टर्म की इक्वेशन है, ठीक है, a cos omega t plus phi, phi को जीरो मान लो, ये तो SHM की इक्वेशन है, यानी पार्टिकल SHM तो कर रहा है, पार्टिकल SHM तो कर रहा है, लेकिन हर एक पार्टिकल x वेरी कराओगे, हर एक का एम्पलीट्यूड अलग लगा रहा है, ये टोटल एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव कर रहा है, ये बता रहा है कि SHM कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड सारे पार्टिकल का अलग अलग होता है। तो अब उसको दोबारा ऑब्जर्व करना, यहाँ पर a डैश बन गया है आपका, a डैश हो गया है, ये हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स परफॉर्म SHM विद, या ऑक्सीलेट बोल सकते हो, विद SHM विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें आती हैं, एक आता है नोड का पॉइंट, नोड्स क्या होते हैं, नोड्स वो होते हैं जिनके लिए एड जो अपने पॉइंट से हिलता ही नहीं है, पॉइंट्स दैट डू नॉट एक्सलेट, पार्टिकल्स दैट डू नॉट एक्सलेट,
पार्टिकल्स दैट डू नॉट ऑक्सीलेट. डू नॉट ऑक्सीलेट मतलब जिनके लिए ए डैश ही जीरो हो जाए, ए डैश जीरो हो जाएगा. अब ये बताओ, चलो देख लेते हैं, पहले 2a sin kx का जीरो होने का क्या मतलब हो गया है, यानी kx यानी sin kx का जीरो हो जाना, इसका मतलब हो गया है kx की वैल्यू, इसका क्या मतलब हो गया है, kx की वैल्यू हो जाना है n pi, kx की वैल्यू हो जाएगी n pi. अच्छा इसको फर्दर देखो, k को लिख सकते हो आप 2 pi by lambda, अभी बताया था आपको n pi, x की वैल्यू कितनी आ गई n lambda by 2, x की वैल्यू आ गई n lambda by 2. इतना समझ में आया, ठीक है. ये होते हैं पार्टिकल जो ऑक्सीलेट नहीं कर रहे होते. अब ऐसे ऐसे लोकेशन पर जो जो पार्टिकल्स होंगे, ऐसे ऐसे लोकेशन पर जो जो पार्टिकल्स होंगे वो तो अपनी पोजीशन से हिलेंगे ही नहीं, वो अपनी पोजीशन से हिलते ही नहीं है, ठीक है. अब देखो आगे वाला टर्म जीरो हो जाएगा. अब समय कुछ भी कर लो, समय कितना भी चेंज कर लो, जब आगे वाला टर्म ही जीरो हो गया है तो मैटर ही नहीं करेगा ना. और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, चलो मैं अभी इसको यहाँ पर बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा चीजें. एंटीनोड्स, एंटीनोड्स होते हैं पार्टिकल दैट ऑक्सीलेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. पार्टिकल्स दैट ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट. अच्छा इसमें इसको अगर आप ऐसे करके लिखते हो तो इसमें और क्या क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू जीरो, लैम्डा बाई टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा बाई टू, सो ऑन, एंड जहां पर इंटीजर होता है. ये पता ना सबको, साइन के एक्स जीरो होगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अंदर का वैल्यू खाली जीरो नहीं होता, एन पाई चलता है, पता है, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, तो एन पाई चल जाएगा. तो वहां से एक आपकी कंडीशन बन के आ जाएगी. अच्छा दैट ऑक्सीलेट विथ मैक्सिमम, विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, विथ मैक्सिमम, विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. यानी मैं अगर बोलूं तो ए डैश जो होगा प्लस माइनस टू ए ले लो, क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. तो बेसिकली प्लस का टू ए और माइनस का टू ए दोनों एम्पलीट्यूड में काउंट होंगे आपका. तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से क्या हो गया, प्लस माइनस टू ए को आप लिख दिया आपने टू ए साइन के एक्स. फिर से कुछ नहीं रटना, इसमें से क्या चीजें आएंगी मैं बता देता हूँ आपको. आपको दो इक्वेशन दी होगी, यहां तक पहुंचना आना चाहिए, ठीक है. उल्टा ये इक्वेशन दी होगी, इससे इंडिविजुअल वेव निकालनी आनी चाहिए, इतना सा है बस. व्हेन टू ट्रैवलिंग वेव्स, हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है. ये दो इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, यहां तक पहुंचना आना चाहिए, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का काम है. ये दे रखा होगा यहां से इंडिविजुअल वेव निकालनी आनी चाहिए, इतना सा इसमें से आएगा, और ज्यादा बातें नहीं होंगी इसमें. बाकी आप अंडरस्टैंडिंग रखो अपनी कि भैया हर एक पार्टिकल ऑक्सीलेट तो कर रहा है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है. तो यहां से साइन के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन, अब प्लस माइनस वन है इसका क्या मतलब हो गया, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, पाई बाई टू के ऑड नंबर. तो यानी के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू के ऑड नंबर लिखने हैं तो टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन या फिर टू एन माइनस वन, इतना आता समझ में. अगर ऑड नंबर लिखने होते हैं तो के एक्स की वैल्यू हो जाएगी, के एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू एन प्लस वन लिख लो, पाई बाय टू के ऑड नंबर. और के एक्स कितना है, के एक्स है टू पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी टू एन प्लस वन लैम्डा बाय फोर. क्या क्या मिल रहा है यहां से, यहां से मिल जाएगा आपको लैम्डा बाय फोर, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, ऐसे ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे. अब आप देखो हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड है. ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, इतना तो आप होगा ही होगा, आपने क्या कर लिया, बिटवीन एवरी टू नोड्स There is an antinode. अच्छा, distance between consecutive distance, या फिर ऐसे बोल दो minimum distance between node and antinode,
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, एंड एंटी नोड कितना हो जाएगा लैम्डा बाय फोर। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो मिनिमम गैप है वो आ जाएगा लैम्डा बाय फोर। अब इसके बाद वापस मोबाइल को देखो, इसको इतना देखो, इसमें समझो, और फिर ये इसको वापस देखो। इसको देखो जरा ध्यान से, ये बीच में एक यहां पर दिख रहा है रेड डॉट, ये रेड डॉट है, इधर भी एक पॉइंट होगा जो ऑक्सिलेट नहीं कर रहा है ऐसे। अच्छा, एक 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 वेवलेंथ में, एक साइकिल में लैम्डा कितना होता है? लैम्डा आपका पता होना चाहिए आपको, ये एक लैम्डा कहलाता है, इतना एक वेवलेंथ होती है, ठीक है, इतना एक वेवलेंथ होती है। तो जरा ध्यान से देखो, रेड वाले को ऑब्जर्व करो, खाली रेड वाले को ऑब्जर्व करो, रेड वाले को ऑब्जर्व करो कि दो ऐसे पॉइंट जो रुके हुए हैं, देखा, एक तो उसने डॉटेड पॉइंट बोल रखा है, एक उसके बगल में कोई दूसरा रेड पॉइंट देखो जो रुका हुआ है, तो दोनों के बीच में लैम्डा बाय टू का गैप है। और रेड के वो वाले भी देखो जो सबसे ज्यादा ऑक्सीलेट कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो एंटी नोड है, उनको एंटी नोड बोलते हैं, जो रुके हुए हैं उनको नोड बोला गया है। अरे आ गई बात समझ में? ऐसा सा कुछ होता है, ठीक है, ये पूरा एक लैम्डा होता है। पार्टिकल कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है? पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, हर एक पार्टिकल अपनी जगह पर, देखो ऑक्सीलेशन तो कर रहा है, और इसमें ये भी देखो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुक रहा है। एंटीनोड वाले पार्टिकल को देखो, एंटीनोड वाले पार्टिकल को देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर रुका, वहां से हल्की स्पीड से आया, जैसे ही मीन पोजिशन क्रॉस कर रहा है वैसे स्पीड देखना उसकी, स्पीड में भी बदलाव है, एकदम बढ़ती है, ऊपर को जाते थे स्लो गई, नीचे लास्ट में जाते स्लो हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज देखो, हर एक पार्टिकल नोड के कोई भी बगल वाला पार्टिकल देखो, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच वाले पार्टिकल्स को देखो, एक साथ अपने पीक पर जा रहे हैं, सबका पीक अलग अलग है, लेकिन एक साथ ऊपर के पीक पर जा रहे हैं, एक साथ नीचे के पीक पर आ रहे हैं, खाली रेड को ऑब्जर्व करो। आई बात समझ में? अरे इतना समझ में आया कि सारे के सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर, क्या बोल सकते हो उसको, अरे पहले इसको लिखो यार, अभी शब्द भी नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, सेगमेंट में, एक सेगमेंट में, एक लूप में बोल सकते हो, एक लूप के सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे थे, एक साथ नीचे आ रहे थे, देखो सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन सबके लिए सब चल तो कॉस ओमेगा टी से रहे या फिर साइन ओमेगा टी से रहे, सबके लिए ये आगे वाला टर्म तो सेम आएगा, ठीक है ना। तो एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, इतना तो लिख लो पहले। अच्छा, नोट्स क्या रिमूव कर लें क्या, ये सिलेबस में नहीं है क्या? वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग होगा भाई, ऐसा थोड़ना है। तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, आपने दो वेव ली, ट्रेवलिंग वेव ले रखी है, ठीक है, उनसे आपने बनाई, उनसे वाई वन प्लस वाई टू किया, तो ये यूजिंग सुपर पोजिशन है ना, y1 plus y2, using superposition principle, y is equal to y1 plus y2, एक कुछ equation बनी है, उसको analysis कर रहे हो आप, उसको हम ऐसे देखते हैं, ये वाला term को अलग देखते हैं, time वाले term को अलग देखते हैं, इसको पूरे को amplitude बोल देते हैं, तो हर एक particle oscillate तो कर रहा है, ठीक है। अब देखो x is equal to zero वाला particle, x is equal to zero वाले का amplitude आएगा zero, ये मान लो, x is equal to कुछ आगे जाओगे, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कुछ ये आएगा आपका, एक्स के हिसाब से वेरी करेगा, ये सबका एम्पलीट्यूड ये है,
अबे स्टैंडिंग वेव मैंने अभी इसमें ऑर्गन पाइप भी तो होगा तुम्हारे सिलेबस में, ऑर्गन पाइप हट गया क्या? चलो पहले इसको तो खत्म कर लें, इसको ढंग से समझ ही लो, इतना लिख ही लिया है तो 10 मिनट की बात और है, 10-15 मिनट का काम और है, निपटा ही देते हैं इसको अगले लेक्चर में। लगभग आप ये मान के चलो 1 घंटा जाएगा इसमें वेव्स में साउंड, क्योंकि साउंड देखो मेजोरिटी पोर्शन मैंने स्ट्रिंग में समझा दिया, स्ट्रिंग वेव में, तो साउंड में मैं खाली रिलेट करवाऊंगा आपको चीजें, तो 1 घंटे में पूरा साउंड हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है 1 घंटे से भी पहले हो जाएगा प्रोबेबली, 1 घंटा मान के चलो, और फिर ग्रेविटेशन भी 1 घंटे में आधा तो हो ही जाएगा, आधे से ऊपर ही हो जाएगा। किसी का इमीडिएट एग्जाम है तो ग्रेविटेशन में से कैपलर लॉ जरूर पढ़ के जाना, कैपलर लॉ और वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ विद हाइट, ये तो पढ़ के जाना, फिर एस्केप वेलोसिटी, कैपलर लॉ भी हटा दिया क्या? अरे तो ग्रेविटेशन में बचा ही क्या है फिर? अबे तो ग्रेविटेशन उसी दिन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर कुछ बचा ही नहीं है, तो कैपलर लॉ हट गया तो फिर पूरे ग्रेविटेशन की कहानी न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन ने दिया लॉ, लेकिन कहानी तो प्लेनेटरी मोशन जो है सारा कैपलर की तो देन है, न्यूटन बाबा तो आके क्रीम खा गए बस लास्ट में। लिख लोगे तो बता देना भाई, बराबर में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है, वो डायग्राम बनाना है बस और कुछ नहीं है। मैथ क्लास एट 8:45, कितना हो गया समय? अबे तो इतना याद रहेगा, या फिर एक काम करना, अरे चलो बढ़िया है, अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे फिर ये, और ग्रेविटेशन दोनों हो जाएगा खत्म। अब देखो यार कितना होता है, ग्रेविटेशन खत्म होता है कि नहीं होता, लेकिन हो जाना चाहिए, अगर कैपलर लॉ हट गया है तो चीजें आसान हो जाएंगी। एक काम करना, अगले लेक्चर में जो ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी ना, ये वाला पोर्शन जरूर देख के आना, ठीक है? 10-15 मिनट का ये पोर्शन देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना क्या क्या हुआ था, ये दिमाग पर रखना, ठीक है? मैं यहीं से पिकअप करूंगा, नोड एंटी नोड यहीं से पिकअप करेंगे हम लोग। चलो फिर आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है? हो गया तो जाओ फिर, 8:45 से तुम्हारी मैथ की क्लास है, खाना वाना भी खाना होगा। अबे 8:45 से तुम्हारी मैथ की क्लास है, और तुम मुंबई में, मुंबई वाले तो देर में खाना खाते हैं, 9:45 तक, 10 बजे तक खाना खाते होगे तुम लोग, हैं? ऐसा है क्या? 8:30 पे खाते हैं, आप तो जबरदस्ती बोलोगे। ठीक है, अभी घर में खा लो, कॉलेज वॉलेज में जाओगे तब कोई समय नहीं होता, 10 बजे खा लो, 11 बजे खा लो, पढ़ लो, 1 साल और बचा हुआ है, ढंग से पढ़ लो, अच्छी एनआईटी आईटी पहुंच जाओ, मजे ही मजे हैं फिर, 4 साल की छुट्टी है बस, हराम ही करना है 4 साल, मतलब एटलीस्ट 1 साल तो कर लें ये पहले साल, बाकी टाइम थोड़ा बहुत पढ़ो, 1 साल दे दो ढंग से, बिल्कुल।
हो गया तो जाओ, इसका हो गया है निकलते जाओ। पंद्रह फेब से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है, होने दो कॉलेज को भी स्टार्ट। चाइना वालों को बोले क्या कि वो और कोई वायरस बना दे, पता नहीं किसका किस कौन सा इस? रेजो भी कर दो, रेजो क्या हो जाएगा ऑफलाइन? रेजो का ऑफलाइन जा तो रहे हैं वहां डाउट सेशन के लिए, मैं तो नहीं आ सकता भैया, मैं कहेंगे नहीं हिलने वाला यहाँ से, बढ़िया हो रहा है, मेरा तो ऑनलाइन ही चलेगा जो हो रहा है, कौन जाए भाई यहाँ से मुंबई, अभी मार्च तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, देखते हैं उसके बाद की बात है। जाते जाओ भाई।